को जो ले रहे हैं, हेस्टेस्टिक का ही सैंपल है, एंड ये मैंने 5 ग्राम लिया हुआ है। जैसे कि आप देखेंगे ये हवा की वजह से जो टॉलरेंस जो हिल रहा है 0.001 वगैरह, वो एयर है यहाँ पे, इसलिए मैं जिसे ब्लॉक करूँगा उसको इट विल बिकम अ 5 ग्राम्स। तो ये मैं इसको रख रहा हूँ, इसको मैं क्लोज करता हूँ, तो ये अबाउट 5 ग्राम्स हो गए हैं। ओके, एयर कॉन्टैक्ट निकल गया है 110 डिग्री स्टैंडर्ड। इसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सो जैसे स्टार्ट किया, हैलोजन हीटअप हो गए हैं एंड मॉइस्चर का जो एग्जॉस्ट है वो शुरू हो चुका है। एंड एज यू कैन सी, ये देखिए यहाँ पे वेट लॉस होना शुरू हो गया है। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर में हम लोग ये टेम्परेचर को रीच करेंगे। जैसे 50 डिग्री है, हाँ, ये भी रीच करेगा 110 डिग्री, क्योंकि मैंने सर टेम्परेचर जो रखा हुआ है स्टैंडर्ड 110 डिग्री है। इट कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू द टेस्ट। अभी एग्जैक्टली हेस्टेटिक वालों ने हम लोगों को क्या टेम्परेचर में कितना रीडिंग चाहिए इसका कुछ अंदाजा दिया हुआ नहीं है, तो हम लोगों ने 110 डिग्री रखा जो स्टैंडर्ड होता है। ओके, एंड सैंपल हम लोगों ने 5 ग्राम लिया हुआ, तो ये भी रीच कर रहे हैं। रीच करते करते हीट अप हो रहा है, तो जितना हीटिंग ज़्यादा होगा उतना एग्जॉस्ट ज़्यादा जल्दी होगा। इसका रेंज जो है अबाउट 200 डिग्री तक का है, और 200 डिग्री तक का टेम्परेचर वी कैन मेक। देखिए विद इन 1 मिनट ये 104 डिग्री पहुंचा है, एंड अबाउट 4.93 मतलब 5 ग्राम में से 7 ग्राम के करीब इसका लॉस हो रहा है वेट, एंड ये मॉइस्चर दिख रहा है। अब ये ऑलरेडी ऑलमोस्ट 109 मतलब 110 रीच करके ये रुक जाएगा, एंड टेम्परेचर रुक जाएगा, एंड इसका मॉइस्चर एनालाइज होना शुरू हो जाएगा जो चालू ही है। ओके,